स्टार प्लस के शो झनक के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि शो के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि बॉस झनक को मिलने बुलाते हैं और झनक उनसे कहती है कि उसके पास अभी भी डिग्री नहीं है और जल्द ही उसकी डिग्री आ जाएगी, जिस पर उसके बॉस उन्हें कहते हैं कि इस तरह झनक को ये नौकरी नहीं मिल सकती कि उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और इस तरह वो झनक को नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन झनक वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें बॉस उन्हें कहते हैं कि वो गुरुजी के केयरटेकर की नौकरी कर सकती है, जिसमें झनक को उनका ध्यान रखना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी, जिससे झनक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये नौकरी को एक्सेप्ट कर लेती है और बॉस उसे रहने की जगह भी दे देते हैं। और वो झनक से कहते हैं कि उन्हें ये नौकरी बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि अगर गुरुजी को झनक पसंद नहीं आई तो वो उसकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर सकते, जिसमें झनक उन्हें कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो उसका पूरा ध्यान रखेगी। और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक की बहुत चिंता कर रहा है और वो पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर झनक कहाँ है, जिसे बिपाशा सुन लेती है और वो सभी के सामने अनिरुद्ध को बहुत बुरा भला कहती है कि अर्शी के होने के बावजूद भी वो झनक को ढूंढता फिर रहा है। और सभी कहते हैं कि अनिरुद्ध एक कैरेक्टरलेस है और अनिरुद्ध को एक मेड से प्यार हो गया है, जिसे सुन अनिरुद्ध बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बिपाशा से कहता है कि वो इस तरह से उससे बात नहीं कर सकते। और अब शो के आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक अपना नया सफर किस तरह शुरू कर पाती है। टीवी से जुड़ी बाकी सारी खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।